बिहार के औरंगाबाद की रहने वाली और बेहद बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली दिव्या सिंह की पहली बॉलीवुड फिल्म इश्क जुनून जल्द ही बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है। दिव्या से जब हमने फिल्म के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मैं पाखी का किरदार प्ले कर रही हूँ इश्क जुनून में, जो कि एक बहुत छोटे से शहर से है एंड शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड शी वॉन्ट्स टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, और उसके पास उतना टाइम भी नहीं है, उतना टाइम या हार्डवर्क करने में विश्वास नहीं रखती है। सो शी कम्स टू बिग सिटी एंड देन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो क्या करती है और फाइनली उसके साथ क्या होता है, लाइक यू नो उस बीच में, दैट इज़ द स्टोरी, लाइक दैट इज़ द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग। अगर एज अ दिव्या मैं सोचूँ तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एज अ दिव्या मैं बहुत 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 अलग हूँ, बट अगेन इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि ये हो रहा है, लाइक वॉट एवर आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर, लाइक पाखी इज़ नॉट लाइक यू नो ऊपर से टपक के एक लड़की आ गई है, पाखी इज़ टुडे जनरेशन गर्ल एंड इट्स हैपनिंग इन सोसाइटी, इट इज़ वेरी मच देयर। अगर आप देखेंगे फिल्म तो समझ में आएगा कि अरे यार आई मीन ऐसा तो हमने बहुतों को देखा है। तो इट वॉज चैलेंजिंग एज अ दिव्या, बट दैट इज़ वॉट एन एक्टर जॉब इज़ ऑल अबाउट, राइट? लाइक वही तो एक एक्टर का काम होता है, टू चैलेंज योर सेल्फ। मैंने एक तमिल फिल्म की हुई है ऑलरेडी विद नेशनल लाइक यू नो अवार्ड विनर डायरेक्टर के साथ, सो दैट वॉज अगेन लाइक एक्सपीरियंस, बट बॉलीवुड में लाइक ये मेरा खुद का लैंग्वेज था और हिंदी फिल्म करना इज़ ऑब्वियसली अ चैलेंज, बट लाइक यू नो जब एज एन एक्टर आप अपने आपको देखते हो तो आप क्रिटिसाइज करते, नहीं यार यहाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तो जस्ट आई टुक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई होप सबको पसंद आए। तभी तो मज़ा है ना, सिंपल लड़की अगर बोल्ड करे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, डोंट यू थिंक सो? लाइक हमेशा से अगर मैंने ये फिल्म भी की है तो सिर्फ इसलिए नहीं की है क्योंकि इसमें लाइक कपड़े कम पहने मैंने या बोल्ड है या थ्रीसम है, इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी, इसलिए मैंने चूज़ की है। और मैं हमेशा से एक लाइक यू नो जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि मैं हमेशा से एक स्टोरी ड्रिवन लाइक यू नो सब्जेक्ट्स करूँ, स्टोरी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स करूँ। अगर कोई ऐसी अच्छी कहानी आती है जिसमें कि थोड़े बहुत ये बोल्डनेस अगर आप इसको बोल रहे हैं तो है, तो करूँगी। और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ यार, जस्ट अभी तो शुरुआत। हाँ जी, इसके पीछे क्या राज है, सीक्रेट बिहाइंड इट? एक्चुअली मैंने जब मैं मुंबई एक साल पहले आई थी और मैं हमेशा से ऐसी फिल्म करना चाहती थी कि जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे, लाइक यू नो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ लव स्टोरी और जिसमें रोना धोना है, जो मैं हूँ। फिर मुझे लगा कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना जब मैं घर में भी ऐसी रहती हूँ और बाहर भी फिल्में ऐसी करूँ, तो मैंने ऐसे कैरेक्टर को चूज़ किया कि जिसको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। शुरुआत के शूट के 3 दिन तक यू वोंट बिलीव आई वाज क्राइंग, लिटरली आई वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। मेरे डायरेक्टर परेशान थे और पूरा यूनिट इनफैक्ट ये बात कर रहा था कि कौन सी लड़की को लेके आ गया, बिकॉज मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी पाखी को। देन फिर आई अंडरस्टूड एंड देन आई अंडरस्टूड लाइक इफ आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर देन आई हैव टू प्ले डिफरेंट वेरियस कैरेक्टर एंड उसके चूज किया। ओ दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। एक्चुअली आई एम वेरी लकी, आई वॉन्ट टू मैंशन इट, लाइक आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट दिस गाइज। बहुत सपोर्टिव थे और बहुत फ्रेंडली थे एंड वो हमेशा मुझसे डरे रहते थे, तो मैं हमेशा लीड ली रहती थी कि चलो ठीक है यहाँ तक तुमको आना है, यहाँ तक तुमको आना, फिर दूर जाना है, बस चिल यार। मुझसे मत पूछो, मैं बहुत बुरी हूँ इसमें। और रिलेशनशिप पे क्या व्यू है टुडेज जनरेशन में? आई डोंट थिंक सो, लाइक यू नो देयर इज लव रिमेंड एनी मोर इन द सोसाइटी एंड नॉट इन फैक्ट इन मुंबई, नो वे, नो। हाँ तो वही तो है, चीट मैं कर रही हूँ तो कौन, मुझे लड़के चीट कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत लैला मजनू टाइप की आया वो प्रेमिका रही हूँ और मैं बहुत रोने धोने वाली हूँ, बट नहीं रहा प्यार व्यार नहीं रहा, इन लाइक नो अकॉर्डिंग टू मी देर इज़ नो लव रिमेन, लाइक जो मेरे मम्मी पापा में मैं देखती हूँ, जो मैं लाइक यू नो मैं लाइक आई कम फ्रॉम बिहार के बहुत छोटे से शहर से हूँ मैं, औरंगाबाद, प्रॉब्ली आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, महाराष्ट्र से आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो जो वहाँ पे प्यार है, जो वहाँ पे बॉन्डिंग है, इट्स नॉट देयर इन टुडे, बट ठीक है स्टिल, लाइक यू नो वी कैन होप फॉर द बेस्ट, लाइक वी कैन फाइंड। खैर, बिहारी वाला दिव्या सिंह की इस फिल्म को दर्शक कितना पसंद करते हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फिल्म में ये हॉट सीन दिए हैं उसने सनसनी जरूर मचा दी है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से अभिलाष की रिपोर्ट।